अरे क्या हुआ? देखे ना, आपके सामने बैठी हूँ, पूरा वक्त मिलेगा आपको, आराम से देखे। ये तस्वीर क्यों रखी है? और आज जी सर मेरे रूम में ऑफ फॉरन। जी सर। जी सर, आपने आपने बुलाया मुझे? तुम रोज रोज शोरूम की गाड़ियां लेकर कहाँ चले जाते हो? मैं जब भी तुम्हारे बारे में पूछता हूँ मुझे यही पता चलता है कि तुम कहीं बाहर निकले हो। व्हाई? वो आई एम सो सॉरी सर, वो अम्मी को फालिश हुआ था तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास ले जाना पड़ता है मुझे। ओ अच्छा अच्छा, तो प्लीज हैव सीट, बैठो जी। बैठो जी। तो कब तक चलेगी उनकी फिजियोथेरेपी? अभी तो शुरू हुआ है सर। वो अब वो सुबह लेकर जाता हूँ और इस वक्त सर देखें, अगर आप कहते हैं तो मैं कल से लेकर नहीं जाऊँगा। नहीं नहीं नहीं, डोंट डू दैट प्लीज, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। बल्कि अगर मैं भी कुछ कर सकता हूँ या गाड़ियों के अलावा किसी भी किस्म की हेल्प की जरूरत हो तो लेट मी नो। जी सर। देखो फरहाद, एक बात याद रखना, माँ जिंदगी में एक ही बार मिलती है, खिदमत करके जन्नत कमा लो। बाकी दुनिया का हर रिश्ता मिल ही जाता है। जी सर। जी और कौन कौन है तुम्हारे घर में? जी मैं हूँ और वालदा है सर। अच्छा, तो शादी नहीं की तुमने? सर निकाह हो चुका है, बस रुखसती बाकी है। अच्छा अच्छा, चलो मुबारक हो। ठीक है, यू मे गो नाउ। जी जी सर। बस भाई, यहीं पे रोक दो, इससे आगे गलियों में तुम्हारा रिक्शा नहीं जाएगा। ये लो बाजी, 300 रुपए हो गए आपके। किस बात के 300 रुपए? तारिक रोड से आ रहे, मुल्तान से नहीं। बाजी आपने मुझे बांस रोड का बोला था, थोड़ा थोड़ा करके अब इतना दूर मुझे ले आए, 200 रुपए दे रही हैं। मेरी बात सुनो, तुम्हारी भलाई इसमें है, कुछ चुपचाप के पैसे रख लो, अगर मेरा अब्बा आ गया ना तो ये भी ले जाएगा। अजीब कंगले लोग हैं, 100-100 रुपए पे मरते हैं। आ,
में पैदा कर दिया मुझे, प्लीज इस धूल मिट्टी से निजात दिला दो आप। अच्छा खासा याद होता है कि चप्पलें पहन के निकलना है रिक्शे से, कौन सी मौत आ गई थी आज मुझे। क्या करूं कि अब साफ तो हो जाएंगे ना। मेरे इतने महंगे जूते खराब हो गए, यहाँ पे क्या चल रहा है? नहीं बेटे मुझे नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ है इधर, कौन मर गया? अब अब्बा ने मारे अम्मी के सर पर। लो भाई कितनी दफा समझाया आपको कि दूर रहा करें अब्बा से, अपने काम से काम रखा करें, लेकिन नहीं, आपको तो शौक है हम दर्दियां समेटने का। अब भुगते मुझे कपड़ा तो जल्दी से अरीबा, एक तो सफेद जूते और सारे खराब हो गए। किस तरह बात कर रही हो बच्चों अम्मी से, तुम्हारा मसला क्या है? मुझे कोई मसला वसला नहीं है, बहरहाल तुम लोगों को जरूर है मुझसे मसला, मेरी हर बात से, मेरी खुशी से, मेरी कामयाबी से। हाँ है मसला, लेकिन तुम्हारी कामयाबी से नहीं, ना ही तुम्हारी बातों से, तुम्हारी बेबाकी से मसला है, तुम्हारी बदतमीजियों से मसला है हमें। आखिर तुम्हारी माँ है ये। मेरी बात सुनो, तुमसे बात किसने की है? हजार दफा समझाया, अपने काम से काम रखा करो, मेरी बात के बीच में मत बोला करो। अरे वफा बस कर दो, क्या हो गया? नहीं, क्या मतलब क्या हो गया, इसे बता चुकी हूँ मैं, नहीं है ये मेरा भाई। हर मेरी बात के बीच में टांग अड़ानी होती है, मुझे रोकना होता है, टोकना होता है। अपने हुक्म का गुलाम समझते हो तुम मुझे? आज मेरी एक बात आखिरी बार कान खोल के सुन लो, ना तो मैं तुम्हारी बहन हूँ और ना ही तुम्हारी हुक्म के गुलाम। इतना पढ़ लिख के भी ना तुम वही जाहिल की जाहिल रहना। ज्यादा पढ़ाई लिखाई से ना इसका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई, पागल। हाँ शायद। अरे वफा आ गई है, जाओ खाना लगाओ जाके। कोई जरूरत नहीं है, पेट भर गया मेरा आप लोगों की बातें सुन के। और आप तो ना यहाँ बैठ के सिर्फ पेटा परस्ती करो। ये किस तरह बात करती हैं आपसे, मैंने कहा है ना आपको, बस अब आप इनकी रुखसती करें, उनको इनके घर भेजें ताकि आप भी सुकून का सांस ले सकें। अम्मी अरीबा ठीक कह रही है, अब जितना और पढ़ना है ना इसे अपने शौहर के घर जाके पढ़े, बस हो गई। मीसम, मीसम। हाँ जी। क्या हुआ बेटा, आजकल ना खाना ठीक से खा रहे हो ना नाश्ता कर रहे हो, सब खैर तो है ना? जी जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। इसका मतलब तो ये हुआ कि एवरीथिंग इज नॉट वेल, तो जो भी बात है वो अब तुम हम सबको बताओगे, सो वी आर लिसनिंग प्लीज। ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे मुझे लगता है चाचू को यूनिवर्सिटी में कोई लड़की पसंद आ गई है। सुबह 8 बजे उठना और रात भर टहलते रहना, ये कोई नॉर्मल इंसान के बस की बात तो है नहीं। Something is fishy. अच्छा fishy, बेटा इसका मतलब ये है कि तुम मुझ पे नजर रख रही हो, और जरा ये बताओ कि तुम्हें तो पढ़ाई करनी चाहिए। मैं पढ़ रही हूँ। अरे यार छोड़ दो बेचारे की बच्ची, छोड़ो तो। अच्छा छोड़ दिया, देखिए listen guys, let me tell you something, मैं आप लोगों को clearly बता देता हूँ कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। अम्मी प्लीज ट्रस्ट मी। देखिए मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ, मैं सुबह 8 बजे इसलिए उठता हूँ क्योंकि मुझे एक बहुत ज़रूरी लेक्चर अटेंड करना होता है और मैं चाहता हूँ कि मैं ज़रा पढ़ाई पे तवज्जो दूँ, अच्छे ग्रेड्स लेकर आऊँ, ज़रा ध्यान दूँ, यू नो। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लंदन से तो तुम फेल होकर लौट आए थे, मगर इस दफ़ा तुमने मुझसे वादा किया था कि पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा।
जी बिल्कुल, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी और करनी भी नहीं चाहिए, इसलिए मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ूंगा, सारे लेक्चर्स अटेंड करूंगा, अच्छे ग्रेड्स लेकर आऊंगा और आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अच्छा, ऑन दैट नोट, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पेट भर गया है और मैं अब मजीद कुछ नहीं खाऊंगा, तो मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। I'm gonna go. Thank you. और ज़्यादा मुझ पे नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है, सुना तुमने? Okay, bye. Bye. Okay. सुने ना बेटा, जरा पता तो करो क्या चक्कर है, हरकतें देखो, खाना भी नहीं खा के गया। और ये तुम्हारी चॉइस थी, मेरी नहीं। अरे तुम्हारे जैसे ना हजार लड़के मिल सकते हैं मुझे, बल्कि मिल क्या सकते हैं, समझो मिल गया। इसीलिए तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी था ना, वो आज फाइनली खत्म हुआ। आज के बाद कभी फोन मत करना मुझे। ऐसे वैसे खर्च होते नहीं है, बड़े आए मुझे दोस्ती मोहब्बत निभाने वाले। कौन है? अच्छा तुम हो। सुनो, वो कपड़े इस्त्री कर दिए ना मेरे, सुबह यूनिवर्सिटी है मेरी। बहन हूँ, आपकी नौकरानी नहीं हूँ। कभी खुद भी उठ के कुछ कर लिया करें बच्चों, सारा दिन हो जाता है मुझे खुद को घसीटते घसीटते। क्या? अच्छा मैडम पूरा दिन खुद को घसीटती हैं। आई सी, क्या तो बात है। और जब मेरी कीमती कीमती चीजें इस्तेमाल कर रही होती हो, तब अपना ये घिसटना याद नहीं आता तुम्हें? जानती हो कितनी मेहनत से सब कुछ हासिल करना पड़ता है? जानती हूँ, सब जानती हूँ। और ये भी जानती हूँ कि अब्बा से जो आपको इतनी मोहब्बत है ना, ये भी मतलब की है। हाँ तो है मतलब की, इसमें गलत क्या है? वक्त पड़ने पे ना गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, ये तो फिर भी मेरा सगा बाप है। और तुम्हें किस चीज की तकलीफ हो रही है? मैंने तुमसे कहा है सब कुछ करने के लिए, बताऊं? ये ना पर्सनल चॉइस की बात होती है भाई, तुम्हें शौक है छोटा रहने का, जबकि मेरी तो ख्वाहिश है बड़ा बनने की। ख्वाहिशें तो बादशाहों की भी पूरी नहीं होती बच्चों, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप किसके बलबूते पे इतना बड़ा बनने की कोशिश कर रही है। आखिर फरहाद भाई को कब तक बेवकूफ बनाएंगे आप? जब तक वो बनता रहेगा। और मेरी बात सुनो, तुम्हारा मकसद क्या है इस बात से कि मैं उसे बेवकूफ बना रही हूं? बकौल तुम्हारे वो मेरा शौहर है, और शौहर होने के नाते ये सब करना उसका फर्ज बनता है। फर्ज तो इबादत भी है, कभी उसके बारे में भी सोचा है? अपने ना ये लेक्चर ना सुनाओ मुझे, बिल्कुल इस मूड में नहीं हूं मैं। पता नहीं प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, अगर मैं अपने पूरे दिन में सुबह के 6 घंटे अमीरों वाली जिंदगी गुजार लेती हूँ तो तुम्हें क्या तकलीफ होती है? ये सब कुछ ना अपनी मेहनत से हासिल किया है मैंने, स्कॉलरशिप अपने बलबूते पे लिया और पढ़ भी अपनी मेहनत से रही हूं। झूठ का सहारा लेकर कभी सोचा भी अगर आपका ये भांडा फूट गया तो क्या होगा? ये जो अमीरी का लिबादा ओढ़े आप पूरी दुनिया के सामने घूम रही है ना, सोचे कितनी बेइज्जती होगी जब सबको सच पता चल जाएगा। तो तब तक तो मैं किसी बहुत अमीर से लड़के से शादी करके सेटल भी हो चुकी होंगी। क्या क्या मतलब? अब के सारे प्लान्स बता दूं तुम्हें? चलो जाओ यहां से, और कपड़े इस्त्री करने मत भूलना, सुबह यूनिवर्सिटी है मेरी। आपको फरहाद भाई की मोहब्बत का जरा भी ख्याल नहीं है? शर्म करो अरीबा, ये फरहाद छोरे नामदार की जंजीरें जो मेरे पैरों में पड़ी है ना, अगर अब्बा मुझे जुए में ना हारते तो ये मजबूरी का रिश्ता भी नहीं बनता। और मजबूरी के रिश्ते निभाए नहीं, घसीटे जाते हैं। अब जाओ काम करो अपना। सर बजाज,
160 70 80 90 200 210। हाय, अबे अपनी तो किस्मत ही खराब है भैया। जब देखो गुर्बत में घुटने दसे हो। अबे छप्पड़ फाड़ना मौला, लगा दे चक्का। अब्बा क्यों यहाँ बैठ के अपनी किस्मत को कोस रहे? किस्मत बनाने से बनती है, आजमाने से नहीं। अरे बिटवा बना के भी देख ली, आजमा के भी देख ली, पर कुछ हासिल नहीं है। बेटा हुआ हमने सोचा हमारा सहारा बनेगा, वो बन गया अम्मा का सहारा। सारे पैसे लाकर अपनी माँ की हथेली को गरमाता है, और बीवी उसको तो छोड़ ही दो, मनहूस कहीं की सारी तनख्वाह अपने पास रखती है, टूटी कौड़ी नहीं देती। मांगो तब भी नहीं, हाथ जोड़ने पड़ते हैं। क्यों? कोई हम कमाते नहीं है। अब्बा ये सब ना एक ही थाली के चट्टे पट्टे, तुम्हें पता तो है, फिर क्यों गुस्सा करके अपना खून जलाते हो? मैं हूं ना तुम्हारी बेटी, देखना पढ़ लिख के तुम्हारे ही काम आऊंगी, नाम रोशन करूंगी तुम्हारा, और एक सरप्राइज भी है तुम्हारे लिए। बहुत अरसे से जमा कर रही थी रजिस्टर में कि कहीं कोई देख ना ले। पूरे 8,350 रुपए खास तुम्हारे लिए खर्चे किए मैंने, कि मुझसे ना तुम्हारा ये हाल नहीं देखा जाता। तुम्हारा बेटा पता नहीं ना जाने कैसा है, उससे तो ना फरिश्ते भी डरते होंगे। अरे गोली मार उसे, मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तेरे जैसी बेटी यार किसी को दे। 7 बेटों से बढ़कर है तू, अब तू देखना तेरी बरकत से ना कल ऐसी बाजी खेलूंगा, डबल करके लाऊंगा मैं। अरे इंशाल्लाह बोलते हैं अब्बा, इंशाल्लाह दुश्मनों की नजर से महफूज रहते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाय अब्बा, बस अब तो मेरी एक ही ख्वाहिश है कि तुम्हारे लिए एक बड़ा सा कसीनो खोल। क्या होता है अब्बा? कसीनो। कसीनो क्या होता है बेटा? ये ना बहुत बड़ा जुआ खाना होता है बाहर के मुल्क में, जहाँ सारे गोरे जाके जुआ खेलते बस कर दे, बस कर दे भाई, इतने बड़े बड़े ख्वाब नहीं दिखा जो कर दे। अरे अब्बा सच्ची मैं खोल के दूंगी, बस तुम ना मेरे हक में दुआ किया करो। तो अल्लाह से भी दुआ करना, अल्लाह हमारी बेटी को इतना पैसा दे, इतना पैसा दे कि वो सारा पैसा अपने बाप को दे, अपने पे भी लगाए लगाए कोई फर्क लगाए भाई लगाए, लेकिन अल्लाह में बहुत सारे पैसे दे मेरी बेटी को, हमारी बेटी को इतना पैसा दे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में हमें घुमाए, बंगलों की सैर कराए, सूट पीस बनाए हमें, नोटों की गड्डियां भर भर के दे मुझे, बड़ी सी गाड़ी में बिठाए मुझे, बड़े से घर में बंगले में। आमीन सुमा आमीन। क्या हो गया अम्मी, क्यों परेशान है? इस घर में वफा के अलावा कोई और परेशानी है क्या? अब क्या कह दिया बच्चों ने? कुछ बातें कहने के लिए अल्फाज की जरूरत नहीं होती, कभी कभी इंसान को सब कुछ खुद भी समझना होता। मुझे तो वफा के साथ साथ उसके कमरे से भी खौफ आ रहा है। इतनी महंगी चीजें, जूते कपड़े बैग परफ्यूम चॉकलेट, ये सब स्कॉलरशिप के पैसे पर, मैं मान ही नहीं सकती। मुझे तो उसके इरादों से डर लग रहा। ठीक कह रही हैं अम्मी आप, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि फरहाद भाई के पास तो इतने वसाइल ही नहीं कि वो बच्चों की ये बेजा जरूरतें पूरी कर सकें। शायद इसीलिए इन महरूमियों से बचने के लिए अपनी खूबसूरती का सहारा लेती हैं। क्या सहारा? क्या जानती हो इस बारे में तुम? उनकी सोच से अंदाजा लगाया मैंने अम्मी, क्योंकि फरहाद भाई तो उनके ख्वाबों की ताबीर नहीं है। वो बेचारे तो बच्चों की मोहब्बत में इतने दीवाने हुए हैं कि बच्चों का उनको कोई अमल बुरा ही नहीं लगता। जानती हो
बेपना मोहब्बत को टूटने के लिए शक का एक लम्हा ही काफी होता है। मुझे डर है वफा के किसी नाजेबा अमल से फरहाद की मोहब्बत में दरार ना आ जाए। फिर मैं फरहाद को क्या मुंह दिखाऊंगी और पापा से क्या कहूंगी? अल्लाह से खैर की दुआ करें अम्मी, हम चाहकर भी बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि इस घर का सबसे खोटा सिक्का अब्बा को उन्होंने अपने हाथों में लिया हुआ है। यकीन करो अरीबा, मुझे अपनी बेटी से ज्यादा फरहाद की तकलीफ का ख्याल है। अगर वफा ने उसे थोड़ा सा भी दुख पहुंचाया ना तो वो दुख हमें मारने के लिए काफी होगा। अरे अम्मी आप परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। सच को नजरअंदाज करने से सब कुछ बदल नहीं जाएगा बेटे, हमें वफा के कदम यहीं रोकने होंगे। Hello, Wafa. Oh, hi. आज तो बहुत अच्छी लग रही हो। Hey, how are you doing? I'm good. How are you? I'm good. वैसे वाकई बहुत अच्छी लग रही हो। Thank you. Wafa, हुसैन की देवी लग रही हो आज। Oh, so much तुम्हारी शायरी। तुम वैसे भी कुछ भी पहन लो, कोई भी आउटफिट पहन लो, you look like a star. तुम्हारी भी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। यार बात सुन बात सुन। Thank you. मीसम को देखा है? मीसम, I don't know. Hey. Yeah. Hey, मीसम. Hey guys. Hey, listen, I'm sorry मैंने इस तरह आपका रास्ता रोका है, लेकिन we need to talk. Can we please? Misham, is everything fine? Yeah, everything's okay. लग नहीं रहा देख के। यार समझने की कोशिश करो ना यार, जरा जरूरी बात है। You guys can talk here. No, we need to talk in private. हाँ अगर बात यहाँ करनी होती तो मैं privately बात करने के लिए तो नहीं बोलता ना। ये भी है। Anyway, so if you don't mind, could we please? Yeah? और पीछे नहीं आना प्लीज। Go ahead. See you. हम फॉलो नहीं करेंगे, जाओ। चलो चलो चलो, क्लास का वक्त हुआ है, जल्दी जल्दी, क्लास का वक्त हुआ है। देखिए वफा, मेरा मकसद आपको बिल्कुल भी एम्बेरस करने का नहीं था, लाइक लिटरली ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन इस वक्त जो मैं फील कर रहा हूँ ना वो मैंने पहले कभी नहीं किया, जो आपसे मिलने के बाद हो रहा है। और कुछ? हाँ मैं देखिए यकीन जाने मैं ऐसे वैसे टाइप का लड़का नहीं हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, एंड पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद ब खुद आपकी तरफ बढ़ता चला जा रहा हूँ, मेरे कदम आपकी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। इट्स नॉट इन माई कंट्रोल, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। अक्सर साफ दिखने वाले रास्ते आगे चल के बहुत तकलीफ दे साबित होते हैं। हाँ बात आपकी बिल्कुल सही है, और खूबसूरत मंजिल तक पहुँचने के लिए मैं सख्त रास्तों से भी गुजर जाऊँगा। जज्बात इंसान को अपना अच्छा बुरा समझने के काबिल नहीं छोड़ते। एग्जैक्टली, और वैसे भी समझने के लिए दिल और दिमाग का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मसला इस सिचुएशन में ये है कि मेरा जो दिल और दिमाग है वो आपकी कैद में है। देखिए वफा, एक बार वफा निभाने का मौका तो दीजिए, भरोसा करके तो देखें। कुछ और कहना है आपको? हाँ मैं आपको अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, आपकी तहवील में कैद होना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ आपसे। अबे इतनी सुस्त औरतें मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। अबे ले भी आ गई आ गई आ गई आ गई, ये पानी ले आई है वो। ले मेरा बच्चा, ले मेरा बच्चा रोटी, रोटी का मेरे बच्चा। तुम कहाँ से आ रहे हो? खाला ने बुलाया था। खैरियत? पहले वफा से ये तो पूछें कि पिछले 3 दिनों से यूनिवर्सिटी कैसे जा रही है। क्या मतलब है कैसे जा रही है? बस से जा रही है और क्या? बस से जा रही है या फिर रोजाना नई नई गाड़ियों से? तो तुझे क्या मसला है?
अगर वो आज अपने शोहर को इस्तेमाल कर रही है तो कल बड़ी अफसर बनकर उसको फायदा पहुंचाएगी ना। प्रॉब्लम ये है अब्बा कि इसने जो अमीर बनने के नाटक में फरहाद को घनचक्कर बनाया हुआ है, इसकी बेजा ख्वाहिशें पूरी करने के चक्कर में उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तुझे क्यों फिक्र हो रही है उसकी बर्बादी की? इतनी क्यों हो रही है? अगर मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होगी तो कौन जवाब देगा उसका? कोई सोचा कुछ इसका? अबे करने देना बात बेटा, मुझे करने दे बात। तीनों बात कान खोल के सुन लो। इसकी पढ़ाई पे जो भी खर्चा हो रहा है ना, वो अपने वजीफे से कर रही है, किसी के खजाने में से क्या जा रहा है? हा? अगर इसके बारे में किसी को भी कोई बात करनी है ना तो मुझसे आगे बात करे, मुझसे। अरे अपनी दो टके की औकात नहीं है, चले आ मेरी वफा से मुकाबला करने। अरे अब्बा मत दें इसका साथ, मत दें, इसकी बेजा जरूरतें कहीं का नहीं छोड़ेंगी हमें। फिलहाल तू इसका पीछा छोड़ दे, तू इसका पीछा छोड़ दे। अबे वो जो कुछ भी कर रही है अपने घर की इज्जत बचाने के लिए कर रही है। यूनिवर्सिटी में जाएगी क्या बोलेगी? ये तेरे जैसे रिकट्टू की बहन है, ये गरीब उस्तानी की माँ है, ये मेरे जैसे जवानी का बाप है। अरे अब्बा कैसी बातें कर रहे हो? खबरदार, खबरदार जो अपने किरदार में कोई भी खोट निकाली तो। अरे मर्द की किस्मत तो औरत के नसीब से होती है। ये देखो, ये होती है बेटी जो अपने बाप को समझती है। सही तो कह रही है, तेरे जैसी बंदसी औरत की शक्ल देखेगा तो खाक जुआ जीतेगा बंदा। अब्बा कुछ तो खुदा का खौफ करें, कुछ तो। वो तो अच्छा है कि फरहाद ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया, वरना ये बात अगर खाला तक पहुंच जाती तो जानते हैं ना क्या होता। आप लोग बस करो, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। ये मेरा और मेरे शोहर का मामला है, तुम कौन होते हो हमारे बीच में दखलंदाजी करने वाले? वाह वफा वाह, कितनी खूबसूरती से रिश्तों को दीवार बनाकर ला खड़ा करती हो। अपना शोहर मानती हो उसे? मानती हो? लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, कल से तुम फरहाद के साथ नहीं जाओगी। ओ भाई इधर देख, इधर मुझसे बात कर, मुझसे। अब एक मिनट, मैं देख लूंगी। धमकी दे रहे हो मुझे? तुम्हारे हुक्म की पाबंद हूं मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। अरे कह दिया ना नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी, बात छोड़। छोड़ो से, क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो, बढ़ाया धमकियां देने वाला। डरती नहीं हूँ तुम्हारे जुल्म से, देख रही आप जलते हैं ये सब लोग मुझसे, क्योंकि इनके नसीब में वो नहीं जो मेरे नसीब में। अरे सौ शैतान मरे होंगे तब तुम्हारे जैसा भाई पैदा हुआ होगा। क्या बकवास कर रही है अपने भाई के लिए? तो हालत क्या कहा है मैंने? जब देखो हम पे अपना हुक्म जमा रहा होते, जैसे इस घर में सांस लेने का हक सिर्फ इसको। हम क्या करें, घुट घुट के मर जाए या फिर कैद कर लूं मैं अपने आप को इस घर में, या आपकी तरह गुर्बत की सोली चढ़ जाऊं? हाँ मेरी एक बात ना आप सब लोग कान खोल के सुन ले, आज जो कुछ भी मेरे पास है ना उसे मैंने बहुत मेहनत से हासिल किया है, बहुत मेहनत की है मैंने। वफा ये मत भूलो कि हमारी माँ ने तुम्हें पढ़ा है। हाँ तो मुझे शौक था पढ़ने का और तुम्हें गैरराज में काम करने का, और आप इंसान पानी उसी पौधे को देता है जो तनावर दरख्त बन के कल को साया दे। हमारा साथ क्यों देंगे आप? हमने तो दहलीज पार जाना है ना। लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, अगर किसी ने भी मेरे रोशन मुस्तकबिल के बीच में आने की कोशिश की तो एक एक को सांप बन के डस लूंगी। अरे बेटी रोटी तो खाती जा, अरे रोटी भी नहीं खा रही थी मेरी बेटी को, रोटी भी नहीं खा रही थी। अगर मेरी बेटी के रास्ते में कोई भी खड़ा होना, कसम अल्लाह पाक यही गाड़ दूंगा तुम तीनों को। अभी उसका बाप जिंदा है, जिंदा उसका बाप, जैसे वो चाहेगी जिस तरह उसका दिल करेगा जिएगी वो। मैं क्या देख रहा, मुझे माफ कर दिया तूने मेरी बेटी को मारा, माफ कर दिया तुझे मैंने, वरना कोई तेरी कब्र बना दूंगा तेरी, माफ कर दिया तुझे मैंने। फालतू का टेंशन। Thank you.
क्या बात है? कौन है जिसने तुम्हें अकेले मुस्कुराने पे मजबूर कर दिया? हाय भाभी, मैं क्या बताऊं आपको, मैं लफ्जों में अपनी फीलिंग्स बयान नहीं कर सकता। मेरे ख्यालों पे ऐसे छाई हुई है कि ऐसा लगता है कोई हमजात हो। अच्छा, ऐसी कौन सी हूर परी मिल गई है? वफा, वफा नाम है उसका। आए बैठे भाभी। हाँ, पता, बहुत बड़े घर की है वो। सुबह एक गाड़ी में आती है, वापसी दूसरी गाड़ी में जाती है। एंड मजे की बात यह है कि उसका इतना नखरा है कि वो किसी से बात तक नहीं करती। एंड यू नो व्हाट, फुल स्कॉलरशिप है। मतलब अभी मैंने सुना था कि औरत में खूबसूरती और जहानत एक साथ हो ही नहीं सकती, लेकिन वफा ने ना इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया। नो सोशल मीडिया, लाइक सीरियसली, नो फेसबुक, नो व्हाट्सएप, नो स्नैपचैट, नो इंस्टाग्राम। पता नहीं क्यों इतनी अलग है ये लड़की। तो क्या करें, कहो तो रिश्ता ले जाए। नहीं 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 भाभी, क्या रिश्ते की बातें कर रही हैं, अभी तो मैं खुद भी तैयार नहीं हूं। अच्छा, तुमने उससे बात की? हाँ, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया अभी तक। तो फिर आप? आई डोंट नो भाभी, लाइक सीरियसली, आई एम टोटली ब्लैंक। मुझे नहीं पता कि मैं उसे कैसे मनाऊंगा, क्या बात करूंगा। आई डोंट नो। हाँ, लेकिन एक बात सच है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब वफा के बगैर नहीं रह पाऊंगा। बड़े मजनू बन गए। चलो खाना खाने आओ। क्या बना खाने में भाभी? आ जाओ। ओके। मैं आपको अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, आपकी तहवील में कैद होना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ आपसे। हाँ मेसन, मैं तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए। अरीबा, अरीबा, रात को मैं दो अंडे रख के सोई थी फ्रिज में, अब है ही नहीं। ऑमलेट कैसे बनाऊं मैं अपना? वो तो मैंने भाई को दे दिए। बच्चों, ये मेरे अंडे खा रहे, तो मैं क्या खाऊंगी? अपनी भूख मिटाने के लिए पेट में पत्थर बांधूं क्या मैं? बच्चों, क्या एक एक अंडे के लिए भी आपसे पूछना पड़ेगा? अल्लाह, मैं कहां फंस गई? ये खाली फ्रिज क्यों रखा हुआ है घर में? अब्बा, इसको बेच दो, फजूल में बिजली पिए जा रहा है। तुम कौन सा इस घर का बिजली का बिल भरती हो जो इतनी जोर से धड़के जा रहा है दिल? अब्बा देख रहे हैं आप, देखा कैसे बात होती है मुझसे इस घर में? अभी तो आप सामने बैठे हो तो ऐसे बात कर रहे हैं, आपके पीछे सोचे कितनी बेइज्जती करते होंगे ये लोग मेरी। हां शहजादी, देख रहा हूं मैं, सब देख रहा हूं, कैसे ही अपनी मां की जुबान बोल रहा है। अम्मा, वैसे इस घर में ना जुनैद के अलावा और औलादे भी हैं आपकी, उनके भी खाने पीने का कोई सबाब कर लिया करें। लेकिन नहीं, आपने तो सिर्फ बेटा परस्ती करनी है। वो तो अच्छा हुआ अब्बा के कोई जायदाद नहीं है आपकी, वरना इनसे ना 25% मांगने के लिए भी ना भीख मांगनी पड़ती। अरे ऐसे कैसे भीख मांगनी पड़ती, फिर की खुद दीवार में नहीं चुनवा देता मैं। रहने दो अब्बा, आज कोई पहली दफा नहीं है जो मेरे साथ इस घर में नाइंसाफी हो रही हो, हमेशा से ही होती आई है। अरे देखता हूँ कैसे कोई मेरी बेटी के साथ नाइंसाफी करता है। नफीसा, ओ नफीसा, तुझसे बात कर रहा हूँ मैं, दो अंडे बॉयल करके ला मेरी बेटी के लिए। वफा, क्या हो गया है, इतना तूफान खड़ा कर दिया तुमने?
डबल रोटी रखी है, चाय पापे खा लो तुम। तुमको नवाब की बच्ची हो। देखा देखा बाप ने, और ये चाय पापे खाऊं मैं? सारा प्रोटीन ना आप अपने बेटे को ही खिला दे, ऐसे ही चले जाती हूं। जिनके नखरे होते हैं ना, उनका पेट कभी नहीं भरा जाता, इसलिए चुपचाप इज्जत से चाय पापे रखे खा लो, वरना पेट में पत्थर डालने की नौबत आ जाएगी। हाँ भाई, पता नहीं कौन सी बहनें होती हैं वो जिनको अपने भाइयों पे नाज होता है। मेरी नजर में तुम्हारे जैसे भाई को ना मर ही जाना चाहिए। अरे बच्चों, सही तो बोल रही है। क्या सही बोल रही है मेरी बेटी? ऐसे भाई को भाई नहीं कछुआ ही बोलते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ जुनेद? क्या हुआ बेटे? जुनेद भाई ठीक हो? अब्बा ये क्या हुआ है? नया ड्रामा शुरू हो गया। अभी खुराक मिली है हालांकि, फिर भी चक्कर आ रहा है। इनकी ड्रामे बारियां छोड़, आज हमें सच्चाई पापा खा ले। अब्बा अंडा बड़ा हुआ है। वाले मेरी शुगर और चाय दो उसे। अब बासी सा हो गया। अब ना गुस्सा मिला वजह करते हो तुम तो।